अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने राजस्थान के बाड़मेर में किया दौरा, किसानों और कार्यकर्ताओं को दी योजनाओं की जानकारी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज सोमवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले में बालोतरा इलाके का दौरा किया और किसानों को मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही उसका लाभ उठाने का भी आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने यहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बूथ संपर्क अभियान भी चलाया और मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरे होने पर उपलब्धियां भी गिनाई। पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी और भाजपा जिलाध्यक्ष महेश बी चौहान समेत तमाम पदाधिकारियों के साथ बालोतरा पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ संपर्क अभियान का आज आगाज पूरे देश के अंदर किया गया है, जिसमें भारत सरकार के, मोदी जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा होने के बाद ये जन जन तक संपर्क करके और जो हमारी सरकार की योजनाएं उनको पहुंचाना, जिसके अंदर तारा 370 हटाना, भगवान श्री राम का मंदिर का भव्य जो बनना है उसका फैसला होना और जो 3 तलाक का निर्णय हुआ, ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। तो ये निर्णय और भारत सरकार का जो इस लॉकडाउन के दौरान जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है, जिससे कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना वो पूरी होगी, निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर बनेगा, ऐसे सारे विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो एक चिट्ठी देश के नाम लिखी है और जिसके अंदर लोगों के स्वस्थ होने की कामना की गई है, ये पत्र हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज बूथ पर सभी घर घर जाकर इस पत्र को देंगे और उनसे आशीर्वाद। भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई, जो पैसे दिए हैं, आज वो आम जन तक पहुंचाने की ऐसी योजना इस लॉकडाउन के दौरान हुई है और प्रधानमंत्री जी ने सही समय के ऊपर जिस तरह से 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया और वहीं 20,00,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है, वहीं राजस्थान की सरकार ने अगर देखा जाए तो कोई ऐसे आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं की और जो किसानों के संपूर्ण कर्जे की माफ़ी की बात कर रहे थे, वही कांग्रेस की सरकार आज मंडी टैक्स को बढ़ाकर दे रही है और इस लॉकडाउन के दौरान किसानों के जो लाइट के बिल माफ़ होने चाहिए उसकी जगह पर उन्होंने पेनल्टी लगा लगा कर उनसे वसूले जा रहे हैं। तो ये एक मन में मलाल है कि जहाँ कई ऐसे बीजेपी शासित राज्य है जहाँ पर विशेष आर्थिक पैकेज की राज्य सरकारों ने घोषणा की, बट राजस्थान की सरकार है जो अपनी हठधर्मिता के ऊपर बैठी और सिर्फ कोई भी कार्य हो उसको केंद्र के ऊपर थोपना, कोई अगर काम हो तो कहते हैं कि राज्य केंद्र सरकार का विषय है, चाहे वो पानी की समस्या है तो भी केंद्र की समस्या विषय है, केंद्र का विषय है, और लाइट की बात आती है तो भी केंद्र का विषय है, और इसी तरह अगर टिड्डी का विषय आता है तो भी केंद्र का विषय है, तो फिर क्या राजस्थान की सरकार में अशोक जी गहलोत को बिठाया है, उनको क्या क्या झुंझुना बजाने के लिए बिठाया है जनता ने, उन्होंने राजस्थान की जनता की सेवा के लिए बिठाया है और भारत सरकार की जो योजनाएं उनको गांव-गांव और ढाणी तक पहुंचाने का काम है वो राजस्थान की सरकार की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से वो दूर भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।